नमस्कार। आईपीएल 2024 से पहले केकेआर के पांच बल्लेबाजों ने मचा दिया हाहाकार। जी हाँ, पांच बल्लेबाजों के बारे में बताऊंगा। केकेआर के लिए बहुत गुड न्यूज है, बड़ी अच्छी खबर है। आईपीएल 2024 से पहले केकेआर के पांच बल्लेबाजों ने तूफान मचा दिया, शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। जाहिर तौर पर उसके बाद में कहा जा रहा है कि वास्तव में केकेआर की टीम इस वक्त बहुत सॉलिड है। देखिए, हाल ही में जेसन रॉय ने तूफान मचा दिया। आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं। पहले मुकाबले में जेसन रॉय ने शानदार तरीके से तूफानी अर्धशतक ठोक दिया है। तो जेसन रॉय की तारीफ हो रही है, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, तो चौके छक्के लगा रहे हैं। तो जेसन रॉय की तूफानी पारी की तारीफ हो रही है, शानदार तरीके से जेसन रॉय कर रहे हैं। अंगरक्ष रघुवंशी लगातार शतक ठोक रहे हैं भाई साहब। घरेलू क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने कई शतक ठोक दिए लगातार, और जाहिर तौर पर इस खिलाड़ी की बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई साहब इस खिलाड़ी को कैसे प्लेइंग 11 में रखा जाए, कैसे मौका दिया जाए। इस खिलाड़ी की वास्तव में इस वक्त बहुत तारीफ हो रही है। ओपनर के तौर पर इसको दूसरा यशस्वी जायसवाल माना जा रहा है। इस खिलाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि केकेआर वालों संजू सैमसन की तरह कदम उठा लो। जिस तरीके से संजू सैमसन ने यशस्वी जायसवाल को बना दिया, उसी तरीके से केकेआर वालों आप इस खिलाड़ी को बना लो। इस खिलाड़ी को अगर चाहे तो केकेआर बड़ा सुपरस्टार बना सकती है, आने वाले वक्त का यशस्वी जायसवाल बना सकती है। यह खिलाड़ी बहुत तूफानी है, बहुत कम उम्र का खिलाड़ी है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में तूफान मचा रहा है। कई शतक इस खिलाड़ी ने लगा दी है। लंबी पारी खेलने के लिए जाना जाता है, चौके छक्के बरसाता है। तो अंगरक्ष रघुवंशी की इस वक्त बहुत तारीफ हो रही है। तीसरा खिलाड़ी मनीष पांडे। भाई साहब, मनीष पांडे जैसे ही केकेआर में आए हैं, भाई साहब इनकी तो किस्मत बदल गई। इन्होंने तो अपना अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं। मनीष पांडे तो भाई साहब हाल ही में अभी कल परसों शतक ठोक दिया भाई साहब मनीष पांडे ने, और वास्तव में दिल जीत लिया मनीष पांडे ने। भाई साहब मैं तो ये बोलता हूं कि जो जो खिलाड़ी तूफानी प्रदर्शन कर रहे हैं उन सारों पर खतरा है, क्योंकि वो तो प्लेइंग 11 में खेलेंगे नहीं। अब जैसे जेसन रॉय है, तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्लेइंग 11 में खेलेंगे नहीं खेलेंगे कोई पता नहीं है। अंगरक्ष रघुवंशी है, तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्लेइंग 11 में खेलेंगे नहीं खेलेंगे कोई पता नहीं है। मनीष पांडे है, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तूफानी अंदाज में प्लेइंग 11 में खेलेंगे नहीं खेलेंगे कोई पता नहीं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि भैया गंभीर केकेआर वालों कुछ ऐसा कदम उठा लो कि आपको इनफॉर्म बल्लेबाज आप खिलाएं। इनफॉर्म बल्लेबाजों को खिला लीजिए, जो खिलाड़ी इनफॉर्म है उन खिलाड़ियों को खिलाओगे तो बेहतर होगा। अब एक खिलाड़ी का नाम और बताता हूं, उसका नाम है अंकुल रॉय। अंकुल रॉय के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, ये दूसरा रविंद्र जडेजा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, दूसरा रविंद्र जडेजा है अंकुल रॉय, दूसरा रविंद्र जडेजा। उसी अंदाज में गेंदबाजी करता है, बल्लेबाजी करता है, शानदार है। जब पृथ्वी शो अंडर 19 विश्व कप के कप्तान थे, उस टीम में खेल चुका है अंकुल रॉय, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी अंकुल रॉय ने। आपको नहीं पता होगा, हाल ही में 5 विकेट चटकाए हैं, 5 विकेट, और अपनी टीम को मैच जिताया है गेंदबाजी करते हुए। तो बहुत कम लोगों को पता है अंकुल रॉय के बारे में, और हाल ही में तूफानी प्रदर्शन करके दिखाया। तो चौथा खिलाड़ी अंकुल रॉय है। अंकुल रॉय के बारे में भी पता नहीं है कि इस खिलाड़ी को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इस खिलाड़ी के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है। ये भी बहुत तूफानी खिलाड़ी। तो 4 खिलाड़ी मैंने बता दिए जो इस वक्त इनफॉर्म है, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद में जिस खिलाड़ी की मैं बता रहा हूं, चेतन सकारिया, हाल ही में 5 विकेट चटकाए हैं चेतन सकारिया ने। घरेलू क्रिकेट में 5 विकेट चटकाए हैं एक मैच में, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं। हर कोई जानता है चेतन सकारिया के बारे में, किस तरीके के गेंदबाज हैं, बहुत शानदार गेंदबाज हैं, बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हैं। लेकिन चेतन सकारिया को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इनके बारे में भी कोई नहीं जानता। तो यार मुझे बड़ी परेशानी होती है, ये 5 खिलाड़ी इस वक्त तूफान मचा रहे हैं और 5ों को ही मौका नहीं मिलेगा। यार केकेआर वालों कुछ तो दिमाग लगा लो, कुछ तो सोच लो यार, इन 5ों को बाहर कर दोगे। ये 5 खिलाड़ी तूफान मचा रहे हैं, 5ों को अगर आप बाहर कर दोगे तो भैया किस टीम को खिलाओगे, कैसे जीत पाओगे। इसीलिए मेरा सवाल है कि केकेआर को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि भाई साहब इनफॉर्म खिलाड़ियों को बाहर रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। इनफॉर्म खिलाड़ियों को तो जरूर खिलाना चाहिए। तो आपका इन 5ों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।